पर बताइए, मैंने सुना जब आप लोग किस सीन रिहर्स कर रहे थे, बच्चन साहब घुस गए थे और आप एम्बैरेस हो गए थे, ऐसा कुछ हुआ था सर? वो अपने सीन की तैयारी के सिलसिले में वहां पर आए थे तो डायरेक्टर को बोला, ये क्या है यार। इश खुल के पर मैं हूं सिद्धार्थ कनन, मेरे साथ है एक इंसान जो बचपन से ही जवान दिख रहे हैं, 20 साल से वैसे ही दिख रहे हैं, विलन्स के बाप और पर लेडीज के चार्मर, पर कोई महिला इनकी बहन नहीं बन सकती, गुलशन ग्रोवर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ, माय फ्रेंड माय ब्रदर, लेकिन ये सब लड़कियां जो बाहर मिली बहन होंगी तेरी। हाँ भाई, क्योंकि मैं बताऊं मेरे पास वो भाई वाला फीलिंग आता है, पर आपको देखकर लड़कियां के अंदर माने वो हनीमून सी फीलिंग आती है सर, हनीमून वाली इश्क की फीलिंग आती है। हाय रब्बा, पर बताओ ये परसेप्शन की वजह से क्या लड़कियां आपसे डरती हैं कि नहीं, कि वाकई में दे टेक योर ऑन स्क्रीन पर्सोना टू बी योर ऑफ स्क्रीन पर्सोना? दोनों चीजें करेक्ट हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ सीरियस नोट, ऑन स्क्रीन पर्सोना जो है उसका प्रभाव, उसका असर जरूर रहता है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था तब तो पूरा असर रहता था, बिकॉज वो सारे ग्रेट एक्टर्स जिन्होंने खलनायक के रोल किए हैं, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, उनके एडिशनल, उस सब का उनको एहसास नहीं था, क्योंकि वो जो स्क्रीन पर देखते थे उसी पर विश्वास करते थे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, लोग हमें देखते हैं, पार्टीज में देखते हैं, तो इसलिए अब वो देखते हैं कि ये जो खलनायक का रोल करते हैं इनसे भी हीरोइन उतने ही प्यार और मोहब्बत से मिलती है। और अगर आप गुल्लू सर को माइक में इंटरव्यूज देते हुए देखोगे तो आपको लगेगा हाय व्हाट अ चार्मर, व्हाट अ चार्मर, बट आई एम अ कंप्लेन विद यू यार, प्लीज। एक जमाने में आपका एक लेडीज मैन वाला परसेप्शन था, गुल्लू जी मॉडल्स को डेट करते हैं, मिस इंडिया को डेट करते हैं, वो सब कहानियां अब क्यों क्यों छुप गई है सर, क्यों? कुछ तो कहानियां दबा दी हैं। कुछ कहानियां जो हैं, कि आप तो जानते हैं कि एक्टर्स को अपनी कहानियां छपवाने के भी पैसे देने पड़ते हैं। पब्लिकेशंस को पैसे देने पड़ते हैं। यार लोग बात कर रहे हैं आज तक कतरीना कैफ, गुलशन ग्रोवर की पप्पी चुम्मी, 20 मिलियन व्यूज वगैरह वगैरह, आज तक वो वीडियो माने हर जगह तहलका मचा रहा है सर। पहली सबसे पहली बात तो ये कि कतरीना कैफ, यू नो, वन ऑफ द वेरी गुड एक्टर, वन ऑफ द वंडरफुल ह्यूमन बीइंग तब थी, उसी तरह की फैंटास्टिक सिंसियरिटी उसके काम में आज भी है। इसके अलावा उसका सोशल बिहेवियर, उसका सोशल इंटरेक्शन मेरे साथ, दूसरे और कलाकारों के साथ, इज ट्रिमेंडसली वार्म, वेरी वेरी नाइस। अब फिल्म में ऐसा सीन था, क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी है। पर बताइए वो सीन रिहर्स करने के लिए मैंने सुना आपने 2-4-6 घंटे लगातार प्रैक्टिस किए फॉर दैट लेजेंडरी सीन इन बूम, इज दैट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है, लेकिन उसका रेफरेंस प्रैक्टिस का कुछ अलग है। ये सीन हम स्क्रीन पर दिखाई दें इसके लिए हमें इस सीन को, इस सीन के डायलॉग्स को रिहर्स करना होगा, तो हमने जरूर इस सीन को रिहर्स किया। अब रिहर्स का मतलब आप सब कुछ और लगा रहे हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर? आप क्या है माने, आप लोग किस सीन को रिहर्स कर रहे थे, आप लोग डायलॉग्स रिहर्स कर रहे थे या किस प्लस डायलॉग रिहर्स कर रहे थे सर? कुछ तो मिस्ट्री रहने दो सर। क्या मिस्ट्री है सर, सब छोड़ तो दिखा के रखा है आपने सर, पर बताइए मैंने सुना जब आप लोग किस सीन रिहर्स कर रहे थे, बच्चन साहब घुस गए थे और आप एम्बैरेस हो गए थे, ऐसा कुछ हुआ था सर? नहीं नहीं, वो अपने सीन की तैयारी के सिलसिले में वहां पर आए थे तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हमें एनकरेज किया और मजाक में डायरेक्टर को बोला, ये क्या है यार, इनका सीन इतना बढ़िया हो रहा है और हमारा सीन कैसा शूट करने वाले हो। पर मुझे बताइए जब ये सीन जो आज के जमाने में कतरीना इसके बारे में बात भी नहीं करती है, अक्नॉलेज तक नहीं करती है, आई थिंक शी वांट्स टू दबाव दैट सीन कंप्लीटली, जब आप इसके बारे में बिंदास बात करते हैं, कहीं आपको ये नहीं लगता कतरीना बोलेगी अरे गुलशन इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? ऐसा है, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस एक्टर हूँ, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सेलिब्रिटी हूँ, ज्यादा साल से सेलिब्रिटी हूँ और दिन रात राइज कर रहा हूँ, ऊपर चढ़ रहा हूँ, पीछे नहीं गया अपनी जिंदगी में, अपने स्टैचर में, अपनी पॉपुलैरिटी में। तो मेरा ये मानना है जो काम कर दिया एक कलाकार ने, या कोई तस्वीर खिंच गई या कोई वीडियो बन गया, अब वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, आपके दबाने से या ना बात करने से उसका कुछ होने वाला नहीं, जो है वो है, हकीकत है। बिल्कुल, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, जैसे मैं हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी कोई गरीब आदमी की पुरानी तस्वीर है या फटे कपड़े में है, वो दब नहीं सकती। It's not going to be. So you're saying that Katrina also has to accept it like anybody else? No, I'm saying every actor, every celebrity, जैसे आप celebrity हैं, दूसरे लोग हैं, अब जो भी हमारे you know चीजें publicly available हैं, in today's time of electronic media, social media and all that, ये magnify होगा और ज्यादा बढ़ेगा, दब नहीं सकता। कुछ बात दब नहीं सकती है गुल्लू सर के बारे में। जी हाँ, ऐसे ही किसी के भी बारे में मैं चाहता हूँ, ऐसे ही आप
पप्पिया देते रहिए, पप्पिया लेते रहिए, मोहब्बत बांटते रहिए, इश्क पाते रहिए। देखिए ज़्यादातर एक्टर्स की, खास तौर पर हीरोइंस की प्रॉब्लम होती है, जो उनकी पहली शुरू की तस्वीरें हैं वो भैंजी टाइप होती हैं, बहन होगी तेरी यार। तो अब बाद में धीरे धीरे ग्लैमरस, सोफिस्टिकेशन, आपका फैशन का चार्म बढ़ रहा है। आई मेट मैनी एजेंसीज जहाँ पे उनकी रिक्वेस्ट थी कि पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियो खत्म कर दो, किसी तरह से निकाल दो। पर ये बताइए आप मुझे, ये आजकल हर इंसान, प्रियंका चोपड़ा हो, दीपिका पादुकोण हो, सब लोग ओपनली कहते हैं वी गॉट हॉलीवुड, वी गॉट रॉक एंड रोल वगैरह वगैरह, पर असल बाप तो आप हैं। ये जिक्र जो नए जमाने के बच्चे वो शायद भूल रहे हैं कि असल बाप ये है जो हॉलीवुड में पहले एंट्री मारी थी। डू यू फील समवेयर दैट पीपल हैव फॉरगॉटन द फैक्ट दैट यू गेव द पाथ टू एवरीबॉडी एल्स टू फॉलो? मैं आपके इस क्वेश्चन को तीन भाग में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे बहुत खुशी है प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, इरफान खान, अनिल कपूर, अनुपम, बहुत सारे एक्टर्स, काबिल एक्टर्स, जबरदस्त एक्टर, मेरे दोस्त, वो जो एक मिट्टी का रास्ता बनाया था मैंने, उसे मजबूत कर रहे हैं। पर एट द सेम टाइम, यस यू आर राइट, बहुत बरसों पहले जब इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, इंडियन बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा का मैं सबसे पहला एक्टर हूँ जिसने ट्रांजिशन शुरू किया। वाह, फाइनली आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, लाइक एक्टर्स लाइक प्रियंका चोपड़ा एंड एवरीबॉडी एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड एवरीबॉडी, इरफान, एवरीबॉडी, वी गो देयर, वर्क एंड कम बैक। क्या बात है, और डॉलर में पैसे कमाते हैं। यहाँ पे मैं फ्री में लोगों को काम करवाता हूँ क्योंकि पैसे नहीं है देने के लिए सर। लेकिन भाई ऐसा है, जरूर डॉलर में पैसे कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहली चीज जो दिमाग में जाती है कि अपने देश का नाम रोशन कर, भारत माता की जय।